नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जौनपुर के खेतासरा क्षेत्र के बरंगी गांव में विद्युत की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। उक्त गांव निवासी आसिफ पुत्र फिरोज सुबह टुल्लू ठीक करते समय स्विच बंद करना भूल गया, जिससे लाइट आ जाने से तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। जौनपुर के नौपुरवा बक्सा थाना क्षेत्र के लखनीपुर गांव में 22 वर्षीय स्नातक के छात्र अजय बिंद पुत्र प्रेम प्रकाश बिंद, जो कि सेना की तैयारी करता था, मड़हा में रस्सी के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी। जौनपुर के सरपताह के चिलबिली गांव में सोमवार की दोपहर करंट की चपेट में आने से 55 वर्षीय उपचंद तिवारी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना स्थल पर पहुंचे स्वजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, किंतु वहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जौनपुर के चंदवक में पुलिस ने चोरी की बाइक, तमंचा व कारतूस के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक विशाल चौहान उर्फ शिवा झंझापारता राव, जबकि दूसरा रोहित यादव गोठौली रसूलपुर लोहसर थाना खानपुर गाजीपुर, दोनों के पास से तमंचा कारतूस और 5 मोबाइल फोन मिले हैं। जौनपुर के बरसठी क्षेत्र के एक गांव में करीब पखवाड़े भर पूर्व किशोरी को पुलिस ने सोमवार को बरामद कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। 17 वर्षीय किशोरी को गत 18 जून को पड़ोसी सजाती युवक सूरज उर्फ सूबेदार बहला फुसला कर भगा ले गया था। किशोरी को महिला कांस्टेबल की निगरानी के साथ मेडिकल मुआयने के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के सरपताह थाना क्षेत्र के महिला किरण पत्नी रमा शंकर को सोमवार की दोपहर सर्पदंत से मौत हो गई। जौनपुर में वृक्षारोपण व पर्यावरण दिवस पर प्राथमिक विद्यालय कसेवा विकास खंड मछली शहर के बच्चों के द्वारा लघु नाटिका की प्रस्तुति की गई, जिसमें एसएमसी अध्यक्ष द्वारा भूमिका अदा की गई। जौनपुर में बीएड प्रवेश परीक्षा को नकल विहीन सुचारू पूर्वक सफल कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में स्थित परीक्षा गृह से संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य, केंद्र व्यवस्थापकों, सेक्टर एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शासन द्वारा नामित जिले के नोडल अधिकारी पौधरोपण कार्यक्रम के रविंद्र नायक सोमवार की शाम जिले में पहुंच गए हैं। इसको लेकर उन्होंने कलेक्ट्रेट परीक्षा गृह में समस्त विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जौनपुर के सराय ख्वाजा के बहाउद्दीनपुर गांव के पास सोमवार को ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हो गई। गांव के 58 वर्षीय हरिनाथ यादव नित्य की भांति सुबह टहलने निकले थे। बहाउद्दीन रेलवे फाटक के पास जौनपुर अयोध्या रेलखंड का दोहरीकरण चल रहा है। वह सुस्ताने के लिए बिछाई जा रही नई रेल लाइन पर बैठे थे। इसी दौरान रेल का इंजन ट्रायल के लिए आ गया, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।